सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड अप टू दिस पार्ट, वी हैव सीन दैट जेन की तबीयत बहुत ख़राब रहती है और एलिजाबेथ उसे देखने के लिए आती है, और उसके बाद ऐसा डिसाइड किया जाता है कि एलिजाबेथ भी यहाँ पर ही अपनी बहन के ध्यान रखने के लिए कुछ दिन और रहेगी. ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्या होता है, ये सभी लोग डिनर के लिए आए हैं और एलिजाबेथ भी अपनी बहन को छोड़कर इन सब के साथ डिनर के लिए यहाँ पर पहुँची है. व्हेन एलिजाबेथ वेंट डाउनस्टेयर्स टू डिनर, सी वॉज क्विकली रिमाइंडेड वाई सी डिसलाइक मिस्टर बिंगलीज सिस्टर. दे वेयर शॉकिंगली कोल्ड एंड इनडिफरेंट अबाउट जेन व्हेन सी वॉजेंट अराउंड. तो देखो, अब एलिजाबेथ यहाँ पर आई है इनके साथ डिनर के लिए, और एलिजाबेथ हमने शुरू में ही देखा बहुत ही आउट स्पोकन टाइप की गर्ल है, जो भी होता है मुँह फट एकदम मुँह पर बोल देती है. एंड यहाँ पर आने के बाद एलिजाबेथ ये रिमेंबर करती है कि क्यों वो मिस्टर बिंगले की जितने भी सिस्टर्स हैं उन सबको वो डिसलाइक करती है. क्यों डिसलाइक करती है? बिकॉज जब कभी भी जेन इनके आसपास नहीं होती है तो ये लोग बहुत ज़्यादा इनडिफरेंट हो जाते हैं. इनडिफरेंट मीन्स ऐसे सामने तो उसकी केयर करते हैं, लेकिन जब वो पीछे से देखती है तो इनको जेन की उतनी परवाह नहीं है, और ये बात एलिजाबेथ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. एंड व्हेन एलिजाबेथ वेंट बैक अप स्टेयर्स, अब देखो, अब जब डिनर वगैरह हो जाने के बाद एलिजाबेथ जब वापस ऊपर चली जाती है, तब ये लोग आपस में क्या कन्वर्सेशन करते हैं, यू नो, मिस्टर डार्सी, मिस्टर बिंगले, कैरोलिन और इनकी जो फ्रेंड वगैरह है, वो लोग क्या बात करती है. सी इज़ वेरी इल मैनर्ड, नो कन्वर्सेशन, नो स्टाइल, नो टेस्ट, नो ब्यूटी. बिकॉज हम जानते हैं कि एलिजाबेथ अपने लिए एक पहले से प्रेजुडिस लेकर बैठी है, और ये लोग आपस में बात करते हैं. प्रेजुडिस मीन्स क्या होता है, गलत धारणा. तो ये लोग बात करते हैं कि वो बहुत ही इल मैनर्ड है, वो उसने कोई भी बात नहीं किया पूरे डिनर के दौरान, उसका कोई स्टाइल नहीं है, उसकी अपनी कोई ब्यूटी नहीं है, उसके कोई मैनर्स नहीं है, उसमें कुछ. अब देखिए ये जो सिस्टर्स है ये आपस में क्या बात करती है, सी लुक्ड ऑलमोस्ट वाइल्ड व्हेन सी केम दिस मॉर्निंग. अच्छा, ये बात करती है कि देखो जब वो सुबह आई थी तो तुमने नोटिस किया वो किस तरीके से पूरी वाइल्ड लग रही थी, जंगली टाइप की लग रही थी. हर हेयर वॉज सो अनटाइटी, वाई मस्ट सी स्कैम्पर अबाउट द कंट्री बिकॉज हर सिस्टर्स हैड अ कोल्ड. अब देखिए इसमें से एक सिस्टर क्या बोलती है कि तुमने नोटिस किया उसके हेयर कितने अनटाइडी थे, कितने गंदे लग रहे थे, और जस्ट बिकॉज उसके सिस्टर को कोल्ड हुआ है तो क्या ये जरूरी है कि वो पूरे कंट्री में इस तरीके से स्कैम्पर करती हुई घूमे. स्कैम्पर मीन्स क्या होता है, ऐसे पूरे कंट्री में हरीड होकर बहुत जल्दबाजी में दौड़ दौड़ कर घूमना, बिकॉज एलिजाबेथ क्या की थी, पैदल ही यहाँ पर आई थी. आई होप यू सॉ हर पेटीकॉट 6 inches डीप इन मड. अब एक सिस्टर इसमें से क्या बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने उसका पेटीकोट भी देखा होगा, उसका पेटीकोट जो था वो कैसे कीचड़ में 6 inch तक डूबा हुआ था. अब देखिए ये जो इमेज है, ये इमेज है मिस्टर बिंगले की, ओके, एंड दिस वन इज मिस्टर डार्सी. और आगे हम देखेंगे एलिजाबेथ एंड मिस्टर डार्सी की शादी होगी, और मिस्टर बिंगले का क्या कहना है एलिजाबेथ के बारे में, हम ये भी देखते हैं. आई थॉट मिस एलिजाबेथ बैनेट लुक्ड रिमार्केबली वेल व्हेन सी केम इनटू द रूम दिस मॉर्निंग, हर डर्टी पेटीकोट क्वाइट स्केप्ड माई नोटिस. अब देखिए मिस्टर बिंगले क्या बोलते हैं कि मुझे लगता है एलिजाबेथ जब सुबह आई थी यहाँ पर तो वो ठीक लग रही थी, अच्छी लग रही थी, और उसका जो डर्टी पेटीकोट था ना उसके ऊपर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया. अब उसके बाद देखिए मिस्टर डार्सी जो कि थोड़े प्राइड में है, बिकॉज उनको अपने पैसे का घमंड है और उनको वो हर किसी में थोड़ी कमी देखते हैं, उनके कैरेक्टर इस टाइप का है. मिस्टर डार्सी, आई एम श्योर यू वुड नॉट विश टू सी योर सिस्टर्स डू द सेम. अब देखिए इसमें से एक सिस्टर जो है वो क्या बोलती है, ये जो बहन है इसका स्पीच क्या है मिस्टर डार्सी के लिए, कि मैं ये आशा करती हूँ कि कम से कम आप तो अपनी बहन को इस तरीके से देखना नहीं चाहोगे. सपोज आपकी तबीयत खराब हो गई तो क्या आप चाहोगे कि आपकी बहन इस तरीके से कीचड़ में सने हुए आपके पास दौड़ती भागती हुई आई. तो देखिए मिस्टर डार्सी का इसमें क्या कंसेप्ट है, मिस्टर डार्सी क्या बोलते हैं, Certainly not. It shows an abominable sort of conceited independence and indifference to decorum. देखिए सर्टेनली नॉट मतलब पक्का नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा ऐसा. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एबोमाइनेबल लगता है. एबोमाइनेबल मीन्स क्या होता है, डिसप्लीजिंग, ऑडियस, ये इस तरीके का लगता है. और कंसीटेड मीन्स क्या होता है, घमंडी टाइप का, इगोइस्टिक टाइप का लगता है. और ये डेकोरम है, डेकोरम मीन्स क्या होता है, मर्यादा के खिलाफ, यू नो, अप बिकॉज ही बिलोंग्स टू द वेरी अपर क्लास फैमिली, तो वो हमें से मैनर्स वगैरह की बात करता है. तो वो बोलता है कि ये बहुत ही अनमैनर्ड है, इल मैनर्ड है, इस तरीके से उसे बिहेव नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट देखिए क्या होता है, इट शोज एन अफेक्शन फॉर हर सिस्टर दैट इज़ वेरी प्लीजिंग. देखिए मिस्टर बिंगले का क्या कहना है कि मुझे तो ये अफेक्शन लगता है उसकी बहन के लिए, कि वो कैसे अपनी बहन के लिए कंसर्न होकर आ गई उसे देखने के लिए, उसने कुछ भी नहीं सोचा, तो मुझे तो ये बहुत प्लीजिंग लगता है.
नॉट एट ऑल दे वियर ओके, इससे पहले इस गर्ल के स्पीच को देखिए, ये यहाँ पर क्या बोल रही है, आई एम अफ्रेड मिस्टर डार्सी दिस एडवेंचर हैज़ रादर अफेक्टेड योर एडमायरेशन ऑफ हर फाइन आइज। अब देखिए ये जो बिकॉज मिस्टर बिंगले इसकी तारीफ कर रहे हैं फाइन आइज़ की, तो ये यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करती है कि मिस्टर डार्सी के मन में उसके लिए क्या है। तो वो उससे पूछती है कि मुझे तो डर है कि कहीं मिस्टर डार्सी आपका देखने का जो नज़रिया है ना, कहीं वो तो नहीं ख़राब हो गया, बिकॉज आप उसकी फाइन आइज़ को, उसके अट्रैक्टेड आइज़ को क्यों नहीं देख पाए। तो मिस्टर डार्सी का इसमें क्या कहना है, नॉट एट ऑल दे वी आर ब्राइटेंड बाय द एक्सरसाइज, बिकॉज वो अपने घर से यहाँ तक चलती हुई आई थी तो एक तरीके की एक्सरसाइज हो गई थी, बस इसीलिए उसकी आइज़ ब्राइटेंड हो गई थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आई विश विद ऑल माई हार्ट दैट जेन बेनेट वेयर वेल सेटल्ड बट विथ सच अ फादर एंड मदर एंड सच लो कनेक्शंस। देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन आया है। अब ये जो गर्ल है, ये जो सिस्टर है, इसका कहना क्या है कि मैं दिल से आशा करती हूँ कि जेन बेनेट को अच्छा घर मिल जाए, बट एक्चुअली ऐसे फादर एंड मदर है उसके और उनके कनेक्शंस बहुत ही लो है, बिकॉज वो लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते, तो उनके अच्छे घर में शादी होनी बहुत मुश्किल है। दैट डज नॉट मेक देम वन जॉट लेस एग्रीएबल। अब देखिए ये जो बात है ना, इस बात को लेकर काफ़ी लोग अग्री नहीं करेंगे, बट इट वेरी मटेरियल लेसन्स देयर चांस ऑफ मैरिंग मैन ऑफ एनी कंसिडरेशन। तो देखिए अब यहाँ पर इसका क्या कहना है मिस्टर डार्सी का, कि ऑफकोर्स बिकॉज वो फिनेंशियल उतने स्टैब्लिश नहीं है, तो उसके चांस भी कम हो जाते हैं उस तरीके का लड़का उसे मिले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं, एलिजाबेथ जॉइंड द अदर्स इन द ड्राइंग रूम आफ्टर जेन वॉज एस्लिप। अब उसके बाद एलिजाबेथ जब उसकी बहन सो रही होती है, तो इन सब को ये ड्राइंग रूम में वापस से ज्वाइन करती है। अब इनके बीच क्या कन्वर्सेशन चलता है, देखिए यहाँ पर कोई एक पर्सन पूछता है डू यू प्रीफर रीडिंग टू कार्ड्स, और एलिजाबेथ से ये पर्सन पूछता है कि आपको क्या कार्ड्स खेलना पसंद है। इस पर एलिजाबेथ के बोलने से पहले ही मिस्टर बिंगले की जो बहन है वो बोलती है, मिस एलिजा बेनेट इज़ अ ग्रेट रीडर एंड हैज़ नो प्लेजर इन एनीथिंग एल्स। मिस्टर एलिजाबेथ जो है ना, वो बहुत अच्छी रीडर है, बहुत अच्छी लाइक बुक्स वगैरह पढ़ती है, और उसके अलावा उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में। इस पर एलिजाबेथ को गुस्सा आता है और एलिजाबेथ बोलती है, आई डिजर्व नीदर सच प्रेज नॉट सच सेंसर्स, आई एम नॉट अ ग्रेट रीडर एंड आई हैव प्लेजर इन मैनी थिंग्स। एलिजाबेथ इस पर बोलती है, ना ही मैं आपके प्रेस की हकदार हूँ, लाइक आपको मुझे तारीफ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको ये मेरी क्रिटिसिज्म करने की ज़रूरत है, और मैं एक हाँ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, बट मैं बहुत ग्रेट रीडर नहीं हूँ, और मुझे बाकी काफ़ी चीज़ों में भी उतना ही इंटरेस्ट आता है जितना कि रीडिंग में आता है। इस पर देखिए मिस्टर बिंगले बोलते हैं, आई एम श्योर यू हैव प्लेजर इन नर्सिंग योर फ्रेंड, नर्सिंग योर सिस्टर। इस पर देखिए मिस्टर बिंगले बोलते हैं, दैट आई एम श्योर यू हैव प्लेजर इन नर्सिंग योर सिस्टर। मैं इस चीज़ को श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको आपकी बहन का ध्यान रखने में ज़रूर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दैट ये मिस्टर डार्सी है और मिस्टर बिंगले की जो बहन है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पे कन्वर्सेशन शुरू होता है। देखिए, यू हैव अ डिलाइटफुल लाइब्रेरी एट पिम्बरले डोंट यू मिस्टर डार्सी, एंड यू हैव एडेड सो मच टू इट योरसेल्फ, यू आर ऑलवेज बाइंग बुक्स। अब ये जो सिस्टर है, ये मिस्टर डार्सी को बोलती है दैट आपके पास बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है ना पिम्बरले में, और मैंने ये भी सुना है दैट आपने उसमें खुद बहुत सारी बुक्स को बाइंग करके, खरीद के उसमें कंट्रीब्यूट किया उस लाइब्रेरी को बनाने में। इस पर मिस्टर डार्सी बोलते हैं दैट इट हैज़ बीन द वर्क ऑफ मैनी जनरेशन, नहीं इसे बनाने में काफ़ी जनरेशन लग गए हैं मेरे, जनरेशन मीन्स लाइक उसके फादर एंड उसके फादर के भी फादर, ग्रैंडफादर, ऐसे काफ़ी टाइम चला गया है इसे बनाने में। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर वापस से कन्वर्सेशन देखते हैं, और यहाँ पर भी जो सिस्टर है वो सिस्टर बोलती है, इज मिस डार्सी मच ग्रोन सिंस द स्प्रिंग, आई एम श्योर सी इज़ नाउ एज टॉल एज आई एम। तो ये जो है, ये सिस्टर है एक्चुअली मिस्टर बिंगले की, ये जो बहन है मिस्टर बिंगले की बहन है, और ये मिस्टर डार्सी से बोलती है कि मिस डार्सी मतलब आपकी बहन जो है अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी, और अब तो वो मेरे ही जितनी लंबी भी होगी, एंड सच अ डिलाइटफुल गर्ल, सच अ काउंटेनेंस, सच मैनर्स, एंड सो एक्सट्रीमली एकम्पलिस्ड फॉर हर एज। अब उसके बाद इसकी बहन की तारीफ करती हुई ये भी बोलती है कि मैंने इतनी डिलाइटफुल, इतनी अच्छी गर्ल कभी नहीं देखी है, ऐसा उनका काउंटेनेंस मीन्स क्या होता है, फेस एक्सप्रेशन, उसका फेस एक्सप्रेशन के बारे में बात करूँ या मैनर्स के बारे में बात करूँ, और वो क्या है, कम्प्लीटली एकम्पलिस्ड है। एकम्पलिस्ड मीन्स क्या होता है, जो सर्वगुण संपन्न होते हैं उस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होता है, इस पर
मिस्टर बिंगले जो है वो क्या बोलते हैं, इट इज़ अमेजिंग हाउ यंग लेडीज कैन हैव द पेशेंस टू बी सो वेरी अकम्प्लिस्ड। ये बोलते हैं कि ये सच में तारीफ करने वाली बात है कि जो भी यंग लेडीज़ होती है उनमें इतना पेशेंस होता है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से परफेक्ट बनाने के लिए बहुत टाइम लेती है और वो उस चीज़ को पेशेंस के साथ करती भी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या होता है, मिस्टर डार्सी का यहाँ पर हमें एटीट्यूड देखने के लिए मिलेगा। ऑल यंग लेडीज़ एकम्प्लिस्ड, व्हाट डू यू मीन। अब ये इस बात से एग्री नहीं करते हैं, ये क्या बोलते हैं, क्या वर्ल्ड में जितनी भी लेडीज़ है सबके सब एकम्प्लिस्ड होती है, सबके सब लाइक कम्प्लीटली क्वालिफाइड होती है हर चीज़ के लिए। मैं तो इस चीज़ को एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन इस पर मिस्टर बिंगले क्या बोलते हैं, येस दे ऑल पेंट टेबल्स कवर स्क्रीन्स एंड नेट पर्सेस, आई डू नॉट नो एनी वन हु कैन नॉट डू ऑल दिस। अब उसके बाद ये बोलते हैं कि हाँ सब में, मतलब सभी में ये क्वालिटीज़ होती है। कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है, सभी को स्क्रीन्स कवर करना आता है, टेबल्स वगैरह को पेंट कर लेती है, और उसके बाद उनमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती है, और मैं किसी भी ऐसी लेडीज़ को नहीं जानता हूँ जिसमें कि ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। और उसके बाद देखिए, अब मिस्टर डार्सी का एक लड़की में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए इस कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है। अब वुमेन मस्ट हैव अ थ्रू नॉलेज ऑफ म्यूज़िक सिंगिंग ड्राइंग एंड डांसिंग एंड द मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड बिसाइड ऑल दिस सी मस्ट पोजेस अ certain something in her air and manner of walking, the tone of her voice, her address and expressions, और द वर्ड विल बी बट हाफ डिजर्व्ड। और देखिए अब इनका कहना क्या है कि एक लड़की कब इम्प्रेसिव बोला जा सकता है, जब उसमें अच्छी खासी नॉलेज हो म्यूज़िक की, उसको सिंगिंग आती हो, उसको डांसिंग आता हो, वो मॉडर्न लैंग्वेजेस जानती हो, और यहाँ तक कि उसे कुछ सर्टेन कुछ पर्टिकुलर टाइप के उसके मैनर्स होने चाहिए। एयर एंड मैनर्स मतलब उसके हाव भाव जो होते हैं वो होने चाहिए, उसका वॉकिंग अलग होना चाहिए, वॉकिंग मैनर उसका, एंड उसकी वॉइस जो है वो भी इम्प्रेसिव होनी चाहिए, और अदरवाइज फिर वर्ल्ड को है ना हाफ डिजर्व करती, लाइक अदरवाइज वो उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगी जितनी कि एक लड़की में ये सारे गुण होने पर वो होगी। ऑल दिस सी मस्ट पोजेस एंड टू ऑल दिस सी मस्ट येट एड समथिंग मोर सस्टेंशियल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हर माइंड बाई एक्सटेंसिव रीडिंग। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि ये सब तो उसको होना ही चाहिए ये सारी क्वालिटीज़, और उसके साथ उसमें ये एक क्वालिटी भी नहीं क्वालिटी भी होनी चाहिए कि उसे बहुत अच्छे से रीडिंग वाला काम जो है ना वो भी आना चाहिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एलिजाबेथ क्या सोचती हुई नज़र आ रही है, आई एम नो लॉन्गर सरप्राइज एट योर नोविंग ओनली सिक्स एकम्प्लिस्ड वुमेन, आई रादर वंडर एट योर नोविंग एनी। अब ये बोलती हैं, आर यू सो सेवियर अपॉन योर ओन सेक्स। यू नो मिस्टर डार्सी एंड मिस्टर बिंगले की जो फैमिली है उससे रिलेटेड ही बात ये लोग कर रहे हैं, तो ये एलिजाबेथ यहाँ पर बहुत आउटस्पोकन है और वो अपना काम करते हुए बोलती है कि ये बस इतने लोगों को ही जानती है और बस इस तरीके से ही बात करी है। आर यू सो सिवियर अपॉन योर ओन सेक्स, और क्या तुमको खुद को पता है कि तुम्हें खुद लड़की हो और तुम में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आई नेवर सॉ सच अ वुमेन, आई नेवर सॉ सच अ कैपेसिटी एंड टेस्ट एंड एप्लीकेशन एंड एलिगेंस एज यू डिस्क्राइब यूनाइटेड। एलिजाबेथ देखिए यहाँ पर अपना काम करती हुई सोचती है दैट ये लोग इधर कन्वर्सेशन इनका चल रहा है, और एलिजाबेथ अपना साइड में सोच रही है कि मैंने आज तक कभी भी ऐसी लड़की को नहीं देखा है। आई नेवर सॉ सच अ वुमेन, आई नेवर सॉ सच कैपेसिटी एंड टेस्ट एंड एप्लीकेशन एंड एलिगेंस एज यू डिजर्व यूनाइटेड। जिस तरीके से तुम लोग सब मिलकर ऐसी बात कर रहे हो मैंने तो आज तक ऐसी किसी भी लड़की को नहीं देखा है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको ये चैप्टर जरूर अधूरा लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये प्राइड एंड प्रेजुडिस कंप्लीट नॉवल है और उसका हमें एक्सट्रैक्ट पढ़ने के लिए दिया गया, इसीलिए हमें ये पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको इस चैप्टर का पूरा समरी देखना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसकी पूरी समरी जरूर ही अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।